बिल्कुल। इस बीच कुछ एक स्टॉक्स देख लेते हैं जिसमें नज़र रखनी होगी, और साथ ही विशाल सिक्का फिर से इन्फोसिस के एमडी और सीईओ बने हैं, ये खबर आई यहाँ पर। खैर ये एक औपचारिकता थी, इसे मंजूरी मिलना बाकी था। साथ ही पुनीता कुमार सिन्हा जो कि एफएम फोर स्टेट जयंत सिन्हा के की धर्मपत्नी भी हैं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनी है इन्फोसिस में, और साथ ही विशाल सिक्का जो है उन्हें फिर से एक बार एमडी एंड सीईओ के तौर पे चुना गया है इन्फोसिस के। ये खबर इन्फोसिस पर काउंटर आज हरे निशान में इस समय ट्रेड करते हुए। जो फाइनल क्लोजिंग का समय है उसमें कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर बिकवाली अभी भी हावी है, जैसे बीएचईएल अभी 5% नीचे है, टाटा मोटर्स दबाव में रहा है, एनटीपीसी, कोल इंडिया, वेदांता, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर सेलिंग प्रेशर परसिस्ट करते हुए। लेकिन निफ्टी एटलीस्ट अभी तक 7020 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। इस समय एचडीएफसी पर अनुज आपकी क्या सलाह है? ये 2.5% नीचे है, लेकिन हाउसिंग से रिलेटेड काफी घोषणाएं बजट में आने का अनुमान बना हुआ है, इस काउंटर पर क्या करेंगे आप? देखिए एचडीएफसी में आप मीर देखेंगे तो ये जो ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं ये आज ही देखने को मिले हैं, क्लोजिंग प्राइस बेसिस पर भी वो मिलने जाएंगे। 1060 के काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे, अब वहाँ से ये ब्रेकडाउन, एक वॉल्यूम का ट्रेंड भी पिछले दिनों में अच्छा ही रहा है, मेरे ख्याल से ये बिकवाली का दबाव थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। नीचे में अभी भी 990-985 की जो रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, तो यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस और देखने को मिल सकती है, तकरीबन गिरावट 985-990 की रेंज तक को देखने को मिल सकती है, जो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होंगे। उन लेवल्स के आसपास ये एक ट्रेडिंग बाई किया जा सकता है। अगर इस वक्त शॉर्ट करने की मैं अगर बोलूंगा शॉर्ट करने के लिए, तो इस वक्त किसी भी शॉर्ट पोजीशन के लिए जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो तकरीबन 1040 के रहेंगे, और डाउनसाइड के टारगेट 990-985। बिल्कुल। इस बीच कुणाल 7023 पर निफ्टी है, लेकिन सेटलमेंट अगर इसकी 7000 के नीचे होती है, बिकॉज जो इंटरनेशनल क्यूज हैं वो आज भी कमजोरी के ही हैं, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि कुछ हद तक मार्केट नर्वस रहेगा, तो 7000 के नीचे की एक्सपायरी, ऐसे में फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बजट पर? जी मैं करंटली अभी ऑप्शन पोजीशन देख रहा था निफ्टी के, स्पेशली फरवरी एक्सपायरी के, तो ऐसा लग रहा है कि 7000 के जो पुट्स है उसमें जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप वो एकदम बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम साइड पे है, 76 लाख या 77 लाख के आसपास की पोजीशंस है, और हम इंट्राडे भी निफ्टी को देख रहे तो एक 97-98 पॉइंट से निफ्टी नेगेटिव हुआ था, और वहाँ से एक शॉर्ट टर्म भले ही 10-15 पॉइंट्स का एक बाउंस है, बट मार्केट वो सेंटिमेंट शायद कैरी नहीं कर रहा है, 7000 का जो लेवल है वो होल्ड कर रहा है, तो मेरे अनुमान से अगर कल नेगेटिव ओपनिंग नहीं हुई और 7000 के नीचे अगर मार्केट ओपन नहीं होता है तो एक चांस बन सकता है कि एक्सपायरी 7050 के आसपास हो सकती है, बट एज आई सेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी टुमारो मॉर्निंग व्हेन वी ओपन अप, अगर 7000 नहीं ब्रेक करे हम ओपनिंग पे तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि एक्सपायरी शायद एक 7050 की आ जाए, बट अगर 7000 के नीचे ओपनिंग करे तो एज आई सेड बिफोर आई वुड एक्सपेक्ट एन एक्सपायरी ऑफ 6950 ऑन निफ्टी। बिल्कुल।